हेलो दोस्तों, कॉस्टिस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं कॉलर वाली और गोल घेरे वाली कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करना बता रही हूँ। ये 2 मीटर कॉटन का कपड़ा है। सबसे पहले इसे प्रेस कर ले ताकि सारी सिलवटें निकल जाएं। ये देखिए, ये 2 मीटर है और इसकी विड्थ 44 इंच है। अब इसे फ्रंट और बैक साइड के कपड़े की कटिंग करके इस तरीके से निकाल लेना है। आप देख रहे होंगे, इसमें फूलों का डिज़ाइन एक ही साइड को है, इसलिए मैंने फ्रंट बैक की कटिंग कर ली है। अब यहाँ से कॉलर वाला कुर्ता बना रहे हैं, तो आप 7.5 इंच पर शोल्डर का निशान लगा लें। नीचे वाली साइड भी 7.5 इंच पर निशान लगाएं और 1/2 इंच शोल्डर को नीचे की तरफ निशान लगा लेना है। इसे कॉलर वाला बना रहे हैं, इसलिए 3 इंच पर निशान लगाकर इन निशान को मिला लें। आर्म होल 7.5 इंच पर निशान लगा लेना है। फ्रंट कटिंग के लिए 1 इंच पर निशान लगाएं। जितनी आपकी छाती है उसका चौथा हिस्सा रखकर निशान लगाएं और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए निशान लगा लेना है। अब यहाँ से 15, पौने 15, 14.5 पर निशान लगाए जाते हैं। मैंने यहाँ पर 14.5 इंच पर निशान लगाया है। अब कमर जितनी आपकी है उसका चौथा हिस्सा रखकर निशान लगाएं और 2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगा लेना है। यहाँ से 10.5 इंच पर निशान लगा लें और 1.5 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाना है। गोल घेरे वाली कुर्ती की कटिंग करने के लिए ऊपर वाली साइड से सेम सिंपल कुर्ते की तरह ही कटिंग की जाती है, जिस तरीके से हम सिंपल कुर्ते की कटिंग और निशान लगाते हैं। अब इन निशान को हमें स्केल से मिला लेना है। आर्म होल का आप सेंटर पर निशान लगा लें और इसे इस तरीके से हमें दोनों तरफ मिला लेना है। और जो फ्रंट कटिंग के लिए निशान लगाया है उसे भी आप लगा लें। इस कुर्ते को हम गोल घेरे वाला बना रहे हैं। सबसे पहले जितनी हमें यहाँ पर लेंथ तैयार रखनी है उस पर निशान लगा लेना है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो 10.5 का निशान जो मैंने लगाया है ये हिप्स का निशान है। सिंपल कुर्ते में हम नीचे वाली साइड भी 10.5 इंच पर ही लगाते हैं, लेकिन ये कुर्ता हम गोल घेरे वाला बना रहे हैं तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है। अब इन निशान को हमें स्केल से इस तरीके से मिला लेना है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, हम इसे गोल घेरे वाला बना रहे हैं तो यहाँ पर 3 या 3.5 इंच पर निशान लगा लेना है। दूसरी साइड भी आप निशान लगा लें। मैंने दोनों साइड 3.5 इंच पर निशान लगाया है। अब इन निशान को आप इस तरीके से गोलाई में मिला लें। अब नीचे वाली साइड से भी हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा निशान इस तरीके से लगा लेने हैं। अब यहां से आप इसकी कटिंग कर लें। गोल घेरे वाले कुर्ते की कटिंग कर ली है। अब फ्रंट कटिंग करने के लिए बैक साइड के कपड़े को आप इस तरीके से निकाल दें और यहां से इसकी फ्रंट कटिंग कर लें। अब स्लीव्स की कटिंग करने के लिए ये मैंने 4 फोल्ड कपड़े को किया है। यहाँ से 15 इंच पर निशान लगाना है तो 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखा है, क्योंकि हम 3 इंच के यहाँ पर कफ को स्टिच करेंगे। यहाँ पर आप 9 इंच 9.5 इंच पर निशान लगाएं और गोलाई के लिए 3 इंच पर निशान लगाएं। इस बाजू को कफ वाली बना रहे हैं तो हमें यहाँ पर 6 इंच पर निशान लगा लेना है। और 6 इंच पर निशान लगाने के बाद ही निशान को मिला लें और जहाँ पर 3 इंच का निशान लगाया है वहाँ से इसकी गोलाई करके इसकी कटिंग कर लें। फ्रंट कटिंग करने के लिए बाजू को आप इस तरीके से रखें और 1.25 इंच पर इसकी कटिंग कर लें। इन बाजू को हम कफ वाली बना रहे हैं, 3 इंच के कफ को हमें स्टिच करना है। देखिए, मैंने इन कफ की कटिंग कर ली है। कफ की कटिंग करने की और स्टिचिंग करने की वीडियो फिर कभी अपलोड करूँगी, नहीं तो वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब हमें कॉलर लगाने के लिए फ्रंट साइड के कपड़े को इस तरीके से निकाल लेना है और यहाँ पर 3 या 3.5 इंच नीचे वाली साइड को निशान लगाकर आप यहाँ से 9 या 9.5 इंच पर निशान लगाएं। इस तरीके से भी आप कॉलर स्टिच कर सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल गले को स्टिच करने के बाद इस कॉलर को लगा रही हूँ। यहाँ पर आप 5.25 इंच पर निशान लगाएं और प्रेस से चिपका लें और साइड से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर दें।
हमने अब कॉलर की कटिंग भी कर लेनी है। ये मैंने पेस्टिंग बुकरम 21 इंच ली है और इसकी जो चौड़ाई है 3 इंच है। अब आप इसे डबल फोल्ड इस तरीके से करें, जितनी हमें कॉलर की लेंथ चाहिए उतनी आप यहाँ पर रख लें। मैं 15 इंच यानी कि 7.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ और ऊपर वाली साइड से हमें 2 इंच बढ़ाकर रखना है यानी कि 9.5 इंच पर निशान लगाया और इन निशान को आप इस तरीके से मिला लें और यहाँ पर हमें इस तरीके से 0.5 इंच पर निशान लगा लेना है और यहाँ से अब इसकी आप कटिंग कर लें। ये कॉलर जो है हमें रेडीमेड भी मिल जाती है, लेकिन अगर आप अपने आप कटिंग करना चाहते हो तो इस तरीके से इस कॉलर की कटिंग कर लें। अब आप चाहें तो ऊपर वाली साइड से भी इस तरीके से इसको 0.5 इंच पर निशान लगाकर कटिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं की है। अब जो ये नीचे वाली साइड कपड़ा रखा है इसे डबल फोल्ड करें और ये पेस्टिंग बुकरम है तो इसे इस तरीके से रखकर प्रेस से चिपका लें। और कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करें और इसे भी प्रेस से अच्छी तरह से सेट करें और जो नीचे वाली साइड एक्स्ट्रा कपड़ा है 0.5 इंच रखने के बाद उसकी कटिंग कर दें। अब हमें चौक कलर से इस तरीके से निशान लगाने हैं और यहाँ से इसकी तीनों कॉर्नर में स्टिचिंग करनी है। देखिए मैंने स्टिचिंग कर ली है। अब साइड से एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करें और ये छोटे छोटे कट लगा लें ताकि फोल्ड करने में आसानी रहे। अब कॉलर को आप अंगूठे से या पेचकस की सहायता से फोल्ड करें और इसके जो छोटे कॉर्नर हैं उन्हें सुई से निकाल लें। अब इसे प्रेस कर लें ताकि ये बिल्कुल बराबर सेट आ जाए। मैंने फ्रंट साइड के कपड़े को लिया है और जो गले की कटिंग की थी उसे भी स्टिच कर लिया है। इनके दोनों सेंटर को मिलाकर हमें इस तरीके से स्टिच करना है। देखिए फ्रंट साइड के गले को स्टिच कर लिया है। अब बैक साइड के कपड़े को उठाएं और इन तीरों को हमें स्टिच कर लेना है। दोनों तीरों को भी स्टिच कर लिया है। अब यहाँ से बैक साइड वाली साइड से 0.5 इंच कपड़े की कटिंग कर लें। ऐसा करने से जो कॉलर है बिल्कुल बराबर सेट आती है। कॉलर को फोल्ड करके अब इसका सेंटर निकालें और यहाँ पर चौक कलर का निशान लगा लें या छोटा सा कट भी लगा सकते हैं। शर्ट वाली साइड भी बैक साइड से आप चौक कलर का निशान लगाएं और इन दोनों निशान को मिलाकर इस तरीके से रखें और यहाँ पर अब इसकी स्टिचिंग कर लें। एक साइड से कॉलर की स्टिचिंग कर ली है, ऐसे ही हमें अब दूसरी साइड से भी स्टिचिंग करनी है। तो सबसे पहले आप गले को बराबर सेट करें और इसका सेंटर निकाल लें और यहाँ पर निशान लगा लें और यहीं से अब हमें दूसरी साइड से भी कॉलर को स्टिच कर लेना है। कॉलर को स्टिच कर लिया है। अब इसे इस तरीके से फोल्ड करके इसके ऊपर वाली साइड भी हमें स्टिचिंग कर लेनी है। कॉलर को प्रेस करके इस तरीके से हमें सेट कर लेना है। कॉलर हमारी जो है बिल्कुल बराबर सेट आई है। अब इसकी फिटिंग के ऊपर भी हमने स्टिचिंग कर ली है। अब गोल घेरे को किस तरीके से स्टिच करें चलिए देखते हैं। आप चाहें तो इस तरीके से इसे फोल्ड करें और कच्ची सिलाई लगाकर एक बार इसे और फोल्ड कर सकते हैं, या आप चाहें तो इसे 0.5 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पर स्टिचिंग कर लें। जहाँ पर गोल घेरे वाली स्टिचिंग आती है वहाँ पर आप कपड़े को आराम से फोल्ड करते हुए स्टिच करें। ऐसे देखने में ऊपर की तरफ थोड़ा इकट्ठा लगता है, लेकिन फिनिशिंग जो है बहुत ही अच्छी आती है।
कुर्ते को अब मैं टेबल के ऊपर रख कर दिखाती हूँ। देखिए कॉलर बराबर सेट आई है और गोल घेरा भी बिल्कुल बराबर सेट आया है। अब हमें बाजू को यहाँ पर स्टिच कर लेना है। देखिए बाजू को भी स्टिच कर लिया है। कफ की कटिंग और स्टिचिंग करने की वीडियो मैं फिर कभी अपलोड करूँगी, नहीं तो वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाती। कॉलर वाली और गोल घेरे वाली कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करने की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें। जो मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सपोर्टिंग।